ये खबर मध्य प्रदेश के जनसंपर्क और विधि मंत्री पीसी शर्मा के लिए है। मंत्री पीसी शर्मा कांग्रेस में सहज सामान्य माने जाने वाले नेता थे, लेकिन अब पीसी शर्मा के सिर सत्ता का नशा चढ़ के बोल रहा है। उन्हें सच बोलने वाले अपने लोग भी पराए लग रहे हैं। किसान खेत मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शैलेंद्र वर्मा मंत्री पीसी शर्मा को अपनी समस्या बताने पहुंचे थे, लेकिन पीसी शर्मा ने अपना आपा खोकर उनकी ऐसी बेइज्जती की कि पूछिए मत। मंत्री पीसी शर्मा जी, पता नहीं सत्ता आज है कल हो ना हो, लेकिन आपका ये बर्ताव बताता है कि अगर आप ऐसे ही चले तो फिर ना पद रहेगा और ना सरकार। वैसे भी लोगों ने आपको सेवा करने के लिए चुना है। हरदा में जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा अपना आपा खो बैठे। उन्होंने अपनी पार्टी के एक परेशान पदाधिकारी को अपनी समस्या रखने पर डांट कर भगा दिया। मंत्री शर्मा ने कांग्रेस नेता को जेल में बंद करने तक की धमकी दे दी। इसके बाद सत्ता की गर्मी से बौराए मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस नेता को कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर करवा दिया। दरअसल हरदा के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, वे लोगों की समस्याओं के आवेदन ले रहे थे। इस दौरान किसान खेत मजदूर कांग्रेस के प्रदेश सचिव शैलेंद्र वर्मा अपनी समस्या बता रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि आप जिनको मिठाइयां खिला रहे हैं वो मेरे साथ गुंडाई कर रहे हैं, बस फिर क्या था, सत्ता का नशा मंत्री पीसी शर्मा के सर पर चढ़ गया और पीसी शर्मा का असली रूप सबके सामने आ गया। पहले दिखाते हैं आपको पीसी शर्मा का वो वीडियो जिसमें कांग्रेस नेता की भरपूर बेइज्जती करते पीसी शर्मा नजर आ रहे हैं। सबसे परेशान हो गया, पागल हो गया मैं, आवेदन और निवेदन कर करके, और आप लोगों के लड़के हो, आप लोगों के साथ फोटो और आप मिठाई खिला रहे हो उनको, वो लोग मेरे साथ गुंडाई कर रहे हैं साहब, ये देखिए। नहीं सर, हम लोग बहुत नहीं सर, ऐसे नहीं चिल्लाओगे आप, नहीं ये कौन सी बात होती है, कौन सी बात होती है सर, ये बिल्कुल अन्याय है सर, ये नहीं सर, बिल्कुल अन्याय है सर, सर बिल्कुल अन्याय है सर, नहीं सर बिल्कुल अन्याय है सर, ये नहीं सर, नहीं बिल्कुल अन्याय दोगले किए, क्या हो रहा है आपके साथ, नहीं सर जी बिल्कुल नहीं होगा सर, नहीं सर, नहीं सर बिल्कुल नहीं होगा सर, दोगले जी मैं है, मुझे कोई नहीं हाथ लगाएगा, मुझे नहीं सर, नहीं सर, नहीं मार रहा मुझे, मार क्यों रहा मुझे, मैं मुझे क्यों मार रहा हूँ, मुझे मार क्यों रहे हो, ए थोड़ा, अरे मुझे मार क्यों रहा हूँ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं नहीं क्यों ले जाऊँगा मुझे, मुझे नहीं लगाएगा कोई नहीं लगाएगा, मुझे कोई नहीं लगाएगा, मैं जान दे दूँगा। इस हंगामे के दौरान कांग्रेस नेता वर्मा ने पीसी शर्मा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, साथ ही उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर चापलूसी करने का आरोप भी लगाया। पीसी शर्मा के बर्ताव से कांग्रेस नेता की हालत खराब थी, उनको डर था कि पीसी शर्मा उनको बिना कसूर के जेल न भिजवा दें। मंत्री जी ने मेरे को डांट के भगा दिया, पूरे थाने में बंद कर दो, अरे साहब आप तो सरकार के आदमी हो, आपको तो समस्या सुनना है, आप भी तो कांग्रेस के हैं, मैं कांग्रेस का प्रदेश महासचिव, किसान कांग्रेस का, और संदीप दीक्षित जी ने मेरी नियुक्ति की है, और ये लोग इस प्रकार से मेरा व्यवहार कर रहे हैं, मेरे को अब ये जेल भेजेंगे देखना। तो कांग्रेस के और भी नेता वहाँ खड़े थे, उनने भी कोई नहीं कुछ बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहा है, चापलूस है। इस हंगामे के बाद किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव शैलेंद्र वर्मा इस कदर भयभीत नजर आए कि बाद में उन्होंने मंत्री पीसी शर्मा से माफी तक मांगी, जबकि वीडियो बताता है कि इस घटनाक्रम में गलत बर्ताव मंत्री जी कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता शैलेंद्र वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे साथ हो रहा है अन्याय, मेरी सरकार, पीसी शर्मा जी आपके इस बर्ताव को आपकी पार्टी के नेता तो सहन कर लेंगे, लेकिन जनता सहन नहीं करेगी, बाकी आपकी मर्जी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।